दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 6 मूवीज जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएंगे और इनको इनकी डिजर्व रेटिंग के हिसाब से बहुत कम रेटिंग दी गई। तो मेरा नाम है अंबर दुबे, शुरुआत करते हैं इस हंसू वीडियो की। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मूवीज से रिलेटेड सारा कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी निकल कर आती है दी कॉल। तो बात करेगा इसकी कहानी की तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक दिन एक फोन मिलता है लेकिन उस पर जो फोन आता है वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है। वो फोन उसे 1999 से आता है और ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं ये है सन 2019 की और एक जो फोन कॉल है इन लोगों की किस्मत बदल देने वाला है। वैसे तो दोस्तों ये मूवी है साउथ कोरियन लेकिन आपको ये हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर और अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 7.1 out of 10 और इस फिल्म के लिए जॉन जोंग सियो को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी निकल कर आती है 2020 में रिलीज हुई रन। एक घर में माँ और बेटी रहते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लोई को अचानक से दिन पता चलता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। वो इन सब का पता लगाने जाती है लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती है। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने एम से गुमराह हो जाती है। साथ ही दोस्तों हद तो जब हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि मेरी माँ ने अपना नाम चेंज किया हुआ है। आखिरकार क्या है उसकी मदर का डार्क सीक्रेट, ऐसा क्यों किया उसकी मदर ने, इन सब चीजों को जानने के लिए तो आपको मूवी ही देखना पड़ेगा जिसका नाम है रन। और ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.7 out of 10। दोस्तों इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी निकल कर आती है दी ओल्ड गार्ड और अगर आप एक एक्शन मूवी की तलाश में हो तो आपके लिए बहुत परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इन 5 लोगों की एक टीम है और इस टीम की ये एबिलिटी है कि ये सबके सब इमोर्टल है लेकिन इनका ये राज धीरे धीरे कर सबके सामने आने लगता है। लेकिन दोस्तों उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्हें कुछ भी करना है और इन सब के बीच उन्हें एक ऐसा इंसान भी मिलता है जिसकी अपनी ही एक एबिलिटी है। क्या ये अपनी आइडेंटिटी छुपा पाएंगे और क्या राज है इनके इमोर्टल होने के पीछे, इन सब के लिए तो आपको मूवी ही देखना पड़ेगा जिसका नाम है दी ओल्ड गार्ड और अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.7 out of 10। दोस्तों इसलिए हमारी अगली मूवी निकल कर आती है स्काई क्रैपर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और दोस्तों अब इस सिक्योरिटी कंसल्टेंट को किसी भी तरीके से अपने घर वालों को बचाना है। क्या क्या हथकंडे अपनाने वाला है वो, किस हद तक गुजरने वाला है अपनी फैमिली के लिए, इन सबको देखने के लिए तो आपको मूवी ही देखना पड़ेगा जिसका नाम है स्काई क्रैपर और अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें वो है 5.8 out of 10। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कि आपसे कहा कि ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। दोस्तों अगर आप एक एक्शन मूवी की तलाश में हैं तो ये मूवी आप ही के लिए है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी निकल कर आती है प्रोजेक्ट पावर। शहर में कुछ पिल्स या मेडिसिन बट रही हैं और ये आम मेडिसिन नहीं है, ये टेम्परेरी और अनप्रेडिक्टेबल पावर्स दे देती है एक ह्यूमन बीइंग को। तो कुछ एक्स सोल्जर्स मिलकर एक पुलिस वाले के साथ मिलकर कुछ सोल्जर्स इन सब के पीछे पर्दाफाश करने वाले हैं। क्या वो सच में इस पिल का पता लगा पाएंगे और आखिरकार क्या राज है इस पिल की अनप्रेडिक्टेबल पावर के पीछे। और दोस्तों अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.0 out of 10। तो इस लिस्ट में हमारी आखिरी मूवी निकल कर आती है दी मम्मी और बात करें दोस्तों अगर इसकी कहानी की तो एक जगह से दूसरी जगह एक मम्मी की कब्र को ले जाया जा रहा है। अचानक से बहुत ही बुरे तरीके से इस प्लेन पर हमला हो जाता है, उस हमले के पीछे क्या राज है और आखिरकार कैसे पकड़ा जाएगा इस मम्मी को दोबारा और कैसे डाला जाएगा उस कब्र में। और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप एक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में सर्च कर रहे थे तो आपकी तलाश यहाँ पर खत्म हो जाती है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके कंटेंट VFX के हिसाब से इसकी IMDb रेटिंग बहुत ज्यादा कम है, 5.4 out of 10। तो दोस्तों मेरी तरफ से थी ये 6 मूवीज जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएंगी। इसमें से आपने कितनी फिल्में देखी हैं, कितनी नहीं देखी हैं, नीचे जाके कमेंट कीजिए और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है उसको भी नीचे जाके कमेंट कीजिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक ऐसे नासू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।